हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, मीन्स सामान्य भूगोल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश के बारे में, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर के बारे में, हीट जोन क्या है मीन्स ऊष्मा क्षेत्र क्या है, और टाइम जोन क्या है मीन समय जोन क्या है, समय क्षेत्र क्या होता है। इन चीज़ों को हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सरलता के साथ अध्ययन करेंगे, और इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद में हम लास्ट में इनसे रिलेटेड हुए प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में, उनको देखेंगे क्या हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्या इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अगर वो आते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग इसको पूरा देख लेंगे, मीन्स कॉन्सेप्ट सभी क्लियर कर लेंगे, तो आप चाहे जिस एग्जाम का वो क्वेश्चन होगा वो आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, मीन्स अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर हमारे पृथ्वी पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये अगर काल्पनिक रेखाएं हैं तो इनको पृथ्वी पर खींचने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको आइए हम लोग समझते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। हमारा जो पृथ्वी है ये काफी विशाल है, आप लोग ये जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है ये काफी विशाल है। अगर हमें पृथ्वी पर किसी स्थान को लोकेट करना है, मीन्स उसकी स्थिति को जानना है, तो हम लोग इस तरह से आसानी से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी बहुत ही बड़ी है और इसके विशाल क्षेत्र के कारण किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी प्लेस का जानना आसान नहीं है। अब मान लीजिए अगर हमें किसी प्लेस का लोकेशन जानना हुआ तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमें पता हो कि जिस स्थान से हमें उस स्थान की दूरी ज्ञात करनी है, मान लीजिए हमारा ये प्लेस हुआ, हमें यहाँ से इस प्लेस की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस दिशा में है, मीन्स उसका डायरेक्शन क्या है और उसकी डिस्टेंस कितनी है। मीन्स अगर ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड हो जाएं, उसकी दिशा पता चल जाए और उसकी डायरेक्शन पता चल जाए, तो हम आसानी से ये चीज़ें जान सकते हैं, उसकी स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारे जो ज्योग्राफर थे उन्होंने पृथ्वी के ऊपर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ड्रा की थी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखा की। जब हमारे ज्योग्राफर को लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश रेखा को ड्रा करना था तो उनके पास कोई मार्ग नहीं था, मीन्स कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि किसके रिस्पेक्ट में वो सबसे पहली रेखा को ड्रा करें। उस समय हमारे पृथ्वी पर उन्हें दो चीजों के बारे में पता था, एक उन्हें ये पता था नॉर्थ पोल के बारे में, दूसरा उन्हें पता था साउथ पोल के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये हमारा अर्थ हुआ, ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ और ये हमारा साउथ पोल हुआ। तो इन्होंने नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दिया, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से पता था नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, और इसका इन्होंने मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया। इसी मिड पॉइंट को फिर इन्होंने एक इससे लाइन ड्रा कर दी, इसी मिड पॉइंट से पास होती हुई, और इस लाइन का नाम दे दिया इन्होंने इक्वेटर, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब एक बार जो हमारे पृथ्वी पर एक लाइन मिल गई, मीन्स एक रेफरेंस लाइन मिल गई, और इसके मिड पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, मीन्स हमें एक रेफरेंस लाइन मिल गई, ये पूरी संदर्भ रेखा, या हम कह सकते हैं एक हमें रेफरेंस पॉइंट भी मिल गया। अब अगर हमें पॉइंट मिल गया है तो हमें अब यहां से किसी जगह की हम स्थिति को ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम बात करें अक्षांश की, तो हमारे पृथ्वी से सॉरी इक्वेटर से हमारे पृथ्वी पर खींची गई रेखाओं जो कोणीय दूरी पर, मीन्स मान लीजिए ये हमारा हुआ इक्वेटर, इक्वेटर से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इसको मिला दिया, मीन्स अर्थ के सेंटर से अगर हम किसी अर्थ के किसी पॉइंट पर एक लाइन को ड्रॉ करें और जो इक्वेटर के साथ वो एंगल बना रही है, ठीक है 30 डिग्री का मान लीजिए एंगल बना रही है, और फिर इस लाइन को हमने पैरेलल मिला दिया किसके, इक्वेटर के, तो इस तरह से जो हमें लाइन प्राप्त होगी उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा।
मीन्स अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हमने मान लिया अर्थ के सेंटर से हमने पृथ्वी पे एक पॉइंट कंसीडर किया और इसको मिला दिया, ये इसके बीच का एंगल हुआ 30 डिग्री, मीन्स इसकी जो कोणीय दूरी है यहाँ से इस लाइन की ये है 30 डिग्री। फिर जब हमें ये 30 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया तो हम इसी के समानांतर या इसी जो इक्वेटर के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हमारी हो जाएगी अक्षांश रेखा। तो इस तरह से हमें लाइन मिल जाएगी। धीरे धीरे अगर हम करते हुए इसी तरह से और खींचते जाएंगे, ये 30 डिग्री हुई और ये हमारे इक्वेटर के नॉर्थ में है, मीन्स उत्तर में है, तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे 30 डिग्री नॉर्थ। मीन्स अब हमें एक तरह से एक लोकेशन पता हो गई कि जिस पॉइंट के बारे में हमें जानना है वो हमारे नॉर्थ में है। अब हमें डिस्टेंस भी पता करनी है, तो इस तरह से अगर हम इक्वेटर से अपने पोल तक ड्रा करते हुए जाएं, एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए हम साउथ में एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किए, इसको मिलाया हमने और इसकी जो एंगल प्राप्त हुआ वो हमें फाइंड हुआ 45 डिग्री, मीन्स 45 अंश हमें प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटर के पैरेलल हमने फिर से एक लाइन खींच दी, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई, तो इसे हम कहेंगे 45 अंश साउथ, मीन्स 45 अंश दक्षिण। तो इस तरह से हमें एक और अक्षांश रेखा प्राप्त हो गई। इसी तरह अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ एक एक डिग्री के एंगल पर लाइन को ड्रॉ करते जाएं, अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करते हुए जाएं, तो हमें कुल कितने एंगल प्राप्त हो जाएंगे, काउंट कीजिए। पहले 1 डिग्री पर 1, 2 पे 2, इसी तरह बढ़ते हुए जाएंगे, तो यहाँ फाइनली हमारा 90 डिग्री पे भी एक अक्षांश रेखा मिलेगी। तो कुल इस प्रकार से इक्वेटर के नॉर्थ साइड में हमें कुल कितनी रेखाएं मिल जाएंगी, 90 रेखाएं। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि इक्वेटर पे जो हमारी रेखा मिलेगी वो एक पॉइंट के रूप में होगी, मीन्स वो एक पॉइंट होगी। तो हमें इस तरह से इधर 90 मिल गई। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम इस रेखा के इक्वेटर के दक्षिण में मूव करते हुए जाएं, तो एक एक डिग्री पर अगर हम बनाते हुए जाएं, एक एक डिग्री पर 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ भी सिमिलरली हमें 90 डिग्री पर 1 बनाना होगा यहाँ पर। तो 90 डिग्री पर जब हम बनाएंगे तो कुल मिलाकर इक्वेटर के दक्षिण में भी हमें 90 रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से हमें कुल मिलाकर 90 रेखाएं उसके उत्तर प्राप्त हो गई, 90 हमें दक्षिण प्राप्त हो गई, और जो हमारी इक्वेटर है ये भी हमारी एक अक्षांश रेखा है। तो इस तरह से कुल कितनी हो गई, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण, सॉरी 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और एक हमारी इक्वेटर, कुल मिला के हमें प्राप्त हो गई 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक, उसके अलावा अब हमें पता चल गया है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 डिग्री पे हम आगे बढ़ते हुए जाएं अपनी अक्षांश रेखाओं से, इक्वेटर से अगर हम, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री हुआ, इससे अगर हम 1 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। मीन्स तो हमें अगर पता चल गया कि जो हमारा व्यक्ति है ये 30 डिग्री पर है, यहाँ पे हमें लोकेशन पता करना था 30 डिग्री पे है, तो हमें यह पता चल गया कि उत्तर की तरफ 30 डिग्री पे हमें 111 गुणे 30, तो हमें इधर की डायरेक्शन मिल गई। लेकिन अब इसी से काम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जाएं तो ये पूरी लाइन जैसे देख रहे हैं, इस पॉइंट के उत्तर की तरफ पता चल गया तो ये पूरी हमारे उत्तर है, तो 130। तो अब हमें क्या पता करना है कि अब ये वेस्ट में कितना है, इसको अभी आगे हम चर्चा करेंगे। एक बात और जान लीजिए नॉर्थ पोल के बारे में, सॉरी अक्षांश रेखाओं के बारे में, कि अक्षांश हमारे केवल रेखाएं नहीं होती हैं, ये अक्षांश वृत्त होते हैं, मीन्स ये हमारे पृथ्वी को दोनों तरफ से कवर करते हैं। कैसे, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये पृथ्वी हमारी, अभी हम 3D में समझते हैं थोड़ा, तो ये हमारी इस साइड में तो है, और ये सिमिलरली ऐसे ये मूव करते हुए इस साइड में भी है। आइए इसको समझते हैं, इस फिगर को देखिए, इसको, दिस इज नॉट ए ऑरेंज, सपोज कीजिए कि ये हमारी अर्थ है। ठीक, ये हमारा हुआ नॉर्थ पोल और इस साइड में हमारा हुआ साउथ पोल। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले इसके जो बीच से पास होती है रेखा, ये हमारी बीच से जो पास हो रही है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इक्वेटर। ठीक, अब आप लोग देख रहे होंगे सामने से, हमें अगर हम देखें ऐसे इसको रखें यहां पर, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमें केवल ये लाइन सामने की दिख रही है, बल्कि ये सामने ना होकर ये पीछे से भी मूव करते हुए जाकर मिल रही है। तो
तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं केवल रेखाएं ना होकर एक तरह से सर्कल को फॉर्म करती हैं, मींस ये सर्कल होती हैं। तो इस तरह से अगर हम ड्रा करते हुए जाएंगे एक एक डिग्री पर, तो इस समय हमें इस तरह से हमें ढेर सारे सर्कल मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ढेर सारे सर्कल फॉर्म होते जाएंगे। और एक एक डिग्री पर अगर हम ड्रा करेंगे, वैसे अगर हम यहाँ पर सर्कल ड्रा करें तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल पे पॉइंट है मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं ना होकर अक्षांश वृत्त होती हैं। अब इस अक्षांश रेखाओं की हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। अगर हम अक्षांश रेखाओं की प्रॉपर्टी की बात करें, तो अक्षांश रेखाएं आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज ड्रा की जाती हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मीन्स वो उनके बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है, और ये कहीं भी कोई अक्षांश रेखा आपस में एक दूसरे से मिलेगी नहीं। मीन्स आप देखिए ये इक्वेटर हुआ, अगर मान लीजिए ये हमारी एक अक्षांश रेखा हुई, तो अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते हुए जाएं तो आप लोग देखेंगे ये कहीं पर मिल नहीं रही है, एक दूसरे से आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। फिर अक्षांश रेखा को कहा जाता है कि इसके जो पैरेलल होते हैं वो एक पूरी सर्किल को ड्रा करते हैं, ठीक है, और पोल्स पर ये एक पॉइंट के समान होते हैं। तो आप लोग को मैंने दिखाया कि पोल्स पर ये पॉइंट हुआ, और इस तरह से ये सर्कल ड्रा करते हुए जाएंगे, मीन्स एक पूरा सर्कल अक्षांश रेखाएं ड्रा करती हैं। फिर मैंने आपको बताया एक प्रॉपर्टी इसकी ये हुई कि कुल मिलाकर हमारे अर्थ पर जो अक्षांश रेखाएं ड्रा की गई हैं, अक्षांश सर्कल ड्रा किए गए हैं, लैटिट्यूड सर्कल ड्रा किए गए हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, 181 है। तो ये हुआ। फिर जितने भी इसके ये हमारे सर्कल ड्रा किए गए हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा मध्य बिंदु से होकर पास हो रहा है सर्किल गुजर रहा है, इक्वेटर मीन्स इक्वेटर से जो हमारी इक्वेटर सर्किल है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, वैसे इसकी लंबाई कम होती हुई जाएगी। कैसे, देख रहे होंगे आप कि ये जो हमारी सर्किल है ये सबसे बड़ी है, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, उसके बाद में जो हमारी लास्ट में यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और ये हमारी देख रहे होंगे कि इनकी जो लंबाई है वो घटती हुई जा रही है। उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है लैटिट्यूड का, हम एक जो एप्लीकेशन है उसको भी आगे देखेंगे। लैटिट्यूड को डिसाइड करने में कुछ खास लैटिट्यूड होते हैं, उनको भी आगे हम हिट जोन में समझेंगे। और इसका एक एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड करता है अर्थ पे जोन के बारे में, कैसे, आइए उसको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्लेस की लोकेशन ज्ञात करनी थी, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है कि अब ये ईस्ट में कितनी दूरी पर है। उसी से हमारा जुड़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हमारी लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमारे अर्थ पर हॉरिजॉन्टल ड्रा की जाती है, मीन्स वो क्षैतिज रूप में ड्रा की जाती हैं। इसके अपोजिट जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं ये हमारे अर्थ पर पैरेलल ड्रा की जाती हैं, सॉरी वर्टिकल ड्रा की जाती हैं, मीन्स ये हमारे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। जब हमें रेफरेंस पॉइंट मानना था अक्षांश के लिए, तो हमने इक्वेटर मान लिया बीचों बीच से पास करती हुई, लेकिन जब हमें नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ना है, तो इस तरह से जितनी भी हमारी लैटिट्यूड देशांतर रेखाएं होंगी ये सभी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ेंगी। तो यहाँ पर एक समस्या ये आई कि आखिर में किसको रेफरेंस पॉइंट माना जाए, मीन्स किस को रेफरेंस पॉइंट माना जाए और उसके अकॉर्डिंग बात की जाए। तो रेफरेंस पॉइंट मानने के लिए हमारे देश में, हमारे दुनिया मीन्स वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर एक समस्या हुई, तो उस समय जब ज्योग्राफर हमारे, उनकी कॉन्क्लेव हुआ, उनकी मीटिंग हुई, जब इस लॉन्गिट्यूड मीन्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिसाइड किया जा रहा था, उस समय जो हमारा इंग्लैंड है मीन्स ग्रेट ब्रिटेन है, उसका पूरे दुनिया में समझ लीजिए वो लीडर था, राजा था। मीन्स आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के इस समय तो दुनिया में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन अमेरिका के पहले हमारे दुनिया में इंग्लैंड का वर्चस्व था। कॉलोनाइजेशन का पीरियड चल रहा था उस समय, तो उस समय इंग्लैंड में एक बैठक हुई ज्योग्राफर्स की, वहाँ पर जब इसको डिसाइड किया जा रहा था, तो वहाँ पर इंग्लैंड से पास होती हुई एक रेखा को हमने माना
प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामी उत्तर। मीन्स अगर हमें कोई एक रेफरेंस लाइन माननी है तो उसको कहीं से पास करते हुए माना जाएगा। ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है जो हमारी पास करती है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इंग्लैंड में लंदन के बगल एक सिटी है ग्रीनविच, वहाँ से होकर ये गुजरती है और इसको हमने नाम दिया 0 डिग्री, क्योंकि जैसे हमने इक्वेटर को 0 डिग्री नाम दिया था उसी तरह से हमने इसको भी नाम दिया 0 डिग्री। अब जब एक बार हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गई तो ये जो हमारी लाइन है ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। मींस ये हमारा अर्थ का हुआ ईस्ट पार्ट और ये हमारा हुआ वेस्ट पार्ट। जैसे देशांतर जो हमारी रेखाएं होती हैं, जो हमारा इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट में या 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, मीन्स अर्धवृत्त में। तो इसी तरह से जो हमारी प्राइम मेरिडियन है यह भी हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट में। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस पे हमें ढेर सारी फिर रेखाएं खींचनी है, मीन्स ये तो हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन। अब इसके बाद में अगर आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी अर्थ है वो एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर, मीन्स अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा एक राउंड लगा लेती है। और आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा स्फीयर या सर्कल होता है वो टोटल मिला के 360 डिग्री का एंगल रहा करता है। ये इस तरह से होता है, ये हमारा 90 हुआ, मीन्स ये हमारा 90 हुआ, ये 180 हुआ और 180 का पूरा ये 360 हुआ। तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, मीन्स 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाती है कितनी देर में, 24 घंटे में। 24 घंटे मीन्स अगर इसको हम मिनट में चेंज करें तो 24 × 60 ये हमारा हो गया 140 मिनट, ये हमें फाइंड हो गया। अब अगर हमें और देशांतर हमारे प्राइम मेरिडियन तो मिल गए, प्रधान यामी उत्तर मिल गई है। अब अगर हम एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे और ढेर सारी ऐसे रेखाएं ड्रा करते हुए जाएं, इस तरह से जो रेखाएं या जो लाइंस हमारे प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में होंगी उसको हम वेस्ट से डिनोट करेंगे डिग्री के अनुसार, और जो हमारे ईस्ट में होंगी उनको हम ईस्ट से या पूर्व में डिनोट करेंगे। तो इस तरह से 1440 मिनट हो गए। अब अगर हमें टाइम को डिसाइड करना हुआ कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन है उसके बाद में अगर 1 डिग्री पे हमें ड्रा करना हुआ तो हम कैसे ड्रा करेंगे, देखिए समझिए उनके बीच समय का अंतर कितना होगा। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 1440 मिनट। तो अगर हम बात करें कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा तो ये हो जाएगा 1440/360, ये हमारा आया 4 मिनट। मीन्स अगर हम पृथ्वी पर 1 डिग्री से पृथ्वी हमारी मूव कर गई, 1 डिग्री से अगर हमने इसको बढ़ा दिया, हमारे एक अगली लाइन ड्रा की, अगली देशांतर रेखा को हमने ड्रा किया, तो उसके और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है अगर इसके हम पूर्व में ड्रा करेंगे तो हमारी 1 डिग्री ईस्ट इसका नाम होगा और इसके टाइम में जो डिफरेंस होगा वो 4 मिनट का होगा। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो आप लोग जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस तरह से 15 × 4 मीन्स हो गया ये हमारा 60। मीन्स 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो सॉरी 15 15 डिग्री जो हमारा ईस्ट में अगर हम मूव करेंगे अपने प्राइम मेरिडियन से तो वहाँ पे समय का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1 घंटे का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें लोकेशन फाइंड करनी थी, तो हमें अब पता चल गया कि ये हमारा आया था 30 डिग्री उत्तर में है और हमें पता चल गया कि ये 15 डिग्री नॉर्थ सॉरी ईस्ट में है। तो अब इसको हम लोकेट कर सकते हैं, इसको हमने 111 से मल्टीप्लाई कर दिया था और हमारे इक्वेटर पे प्राइम मेरिडियन सॉरी प्राइम मेरिडियन और जो उसके 1 डिग्री का एंगल होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है लगभग 111, ये भी लगभग 111, 111.67 होती है, तो ये भी लगभग मान लीजिए 111 होती है। तो इस तरह से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब हमारी ये दोनों आ जाएगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से ये डिस्टेंस एंड कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। मीन्स हमें ये पता चल गया कि 30 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री ईस्ट जो हमारा है वो इसकी
लोकेशन है। तो इस तरह से अगर हम अपने अर्थ पर लाइन को ड्रॉ करते हुए जाएं तो एक एक डिग्री पर तो हमें कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी, हमें कुल मिलाकर 360 रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। कैसे? ये हमारे प्राइम मेरिडियन हुआ जो 0 डिग्री पर हुआ, और इसके बाद में इसके अगर हम ईस्ट में 180 रेखाएं ड्रा करेंगे तो 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, लेकिन जो 180वां रेखा होगी 180 डिग्री पर वो इसके ठीक अपोजिट होगी। आइए इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 360 रेखाएं प्राप्त हो गई। अब आइए इसको हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार हम फिर से मानते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा हुआ नॉर्थ पोल और ये हमारा हुआ साउथ पोल। तो ये जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये लाइन मिला रही है, इस लाइन को, और इस लाइन को, इसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामे उत्तर। ये हमारी हुई ये लाइन। तो इससे अगर एक एक डिग्री पे इस तरह से हम खींचते हुए जाएंगे तो हमें लाइनें मिलती जाएंगी, और इसके अगर हम अपोजिट एक ठीक लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन होगी हमारी वो 180 डिग्री पर होगी और वो इसके ठीक अपोजिट होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम कुल मिलाकर 160 सॉरी एक सॉरी 300 ईस्ट में, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हुआ, तो ईस्ट में हम खींचेंगे रेखाएं और वेस्ट में खींचेंगे तो कुल मिलाकर हमें 360 रेखाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि देशांतर रेखाओं या लॉन्गिट्यूड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जितनी भी हमारी ये रेखाएं होती हैं इन पे जो लाइनें ड्रा की जाती हैं, मीन्स ये जो हमारी लाइनें होती हैं ये सभी वर्टिकली ड्रा की जाती है हमारे अर्थ पर। जिस तरह से आपने देखा ये हमारी प्राइम हुई, उसके बाद में इस तरह से हम कुल मिला के 360 रेखाएं इस पे चारों तरफ ऐसे इस तरह से ड्रा करते हुए जाएंगे। तो ये वर्टिकली, इसके अपोजिट हम जानते हैं कि जो हमारी देशांतर सॉरी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हॉरिजेंटल ड्रा की जाती है, मीन्स ये क्षैतिज होती हैं और ये वर्टिकल होती हैं। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, मीन्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ध्रुवों पर जाकर ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ या साउथ पोल हुआ, यहाँ पर जाकर ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, मीन्स ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुई। इसके अपोजिट जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल में जो हमारी प्रत्येक देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक सेमी सर्कल होती हैं, मीन्स अर्धवृत्त होती हैं। कैसे? देखिए, ये हमारी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से लेकर ये यहाँ से आई यहाँ तक अर्धवृत्त। इसके बाद में हालांकि इधर ये फुल सर्कल बना रही है लेकिन उसको हम दूसरी रेखा का नाम दे दे रहे हैं। ठीक, जैसे हमारी ये प्राइम मेरिडियन हुई तो ये यहाँ से यहाँ तक आई, हाफ सर्कल बनाई। उसके बाद में जो हमारी इसके अपोजिट ठीक बना रही है फुल सर्कल, उसको हम दूसरी उत्तर रेखा कहेंगे, दूसरी देशांतर रेखा कहेंगे, और वो 180 डिग्री पर होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम ईस्ट सॉरी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट पर जाएं 180 डिग्री तो हमें ईस्ट पर जो प्राप्त होगी 180 डिग्री पर, और अगर हम इसके वेस्ट पर जाएं 180 डिग्री तो हमें जो रेखा प्राप्त होगी ये एक ही रेखा होगी, मीन्स 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट में जो हमें रेखा प्राप्त होगी वो एक ही रेखा होगी, ये दो रेखाएं नहीं होंगी। फिर हमने बताया कि अगर हम एक एक डिग्री के एंगल पर कुल मिलाकर रेखाओं को ड्रा करते हुए जाएं तो हमें कुल मिलाकर 360 रेखाएं मिलेंगी, मीन्स अगर हम इसके इस तरफ ईस्ट और वेस्ट में एक एक डिग्री के अंतर पर रेखाओं को ड्रा करते हुए जाएं तो हमें कितनी रेखाएं मिलेंगी? 360। जितनी भी हमारी मेरिडियन होती हैं ये हमारी इक्वल होती हैं, मीन्स सभी हाफ सर्कल बनाती हैं, और ये हमारी ग्रेट सर्कल जो हमारी इक्वेटर की जो सर्कल होती है इसकी सब आधी होती हैं, और ये सभी इक्वल लेंथ की होती है, मीन्स इनकी लंबाई बराबर होती है। इसके अपोजिट मैंने देशांतर सॉरी अक्षांश रेखाओं में बताया था कि ये हमारी सारी रेखाएं कम होती जाती हैं या जो सर्कल होते हैं ये कम होते हुए जाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने आपको दिखाया था कि ये छोटी, जिस तरह से हम अगर इक्वेटर से बढ़ते हुए जाएं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो हमारी जो ये लेंथ होगी सर्कल की ये डिक्रीज होती हुई जाएगी। लॉन्गिट्यूड का एक यूज तो मैंने आपको बताया कि इससे हम स्थित का पता लगाने में करते हैं, इसका जो दूसरा यूज है वो हम टाइम जोन को पता करने में करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूड और सॉरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मीन्स अक्षांश और देशांतर। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं आइए उनको देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है, मीन 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्ट
लॉन्गिट्यूड से वो उड़ान भरता है, मीन टेक ऑफ करता है, और वो पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, मीन जिस पॉइंट से ये उड़ता है उसके ठीक अपोजिट साइड में जाके उतरता है। आइए हम इस लाइन पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जहाज, ये हमारी हुई प्राइम मेरिडियन, ये हमारी हो गई प्राइम मेरिडियन, और इससे ये 30 अंश उत्तरी, ये हमारी इक्वेटर हो गई। 30 अंश उत्तरी मतलब ये उत्तर हुआ, और 30 अंश उत्तरी मीन्स यहाँ पर उत्तर में, और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर मीन्स ये यहाँ कहीं से हमारा जो है इस रीजन से उड़ान भरेगा। ठीक, इसने इस रीजन से उड़ान भरा और कह रहा है कि ये इसके ठीक अपोजिट जाके उतरेगा। प्राइम मेरिडियन से हमने ईस्ट की तरफ बढ़े हैं 50 डिग्री, और हम इक्वेटर से ऊपर गए हैं 30 डिग्री उत्तरी। तो इसके ठीक अपोजिट मतलब ये हमारा अगर रीजन हुआ, तो इसके ठीक अपोजिट हम इससे अगर क्रॉस करते हुए उस पार निकालें तो हमारा यहाँ पर निकलेगा। देखिए हमारे जाकर ये अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड में लैंड करेगा, तो इसके ठीक अपोजिट ये पॉइंट यहाँ हुआ। तो देखिए पॉइंट कहाँ होगा, अगर ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री पर ऊपर है नॉर्थ, तो इसके ठीक अपोजिट ये भी 30 डिग्री पर ही होगा, ये हमारा हो गया 30 डिग्री पर। उसके बाद में अगर ये ईस्ट में है तो जाहिर सी बात है ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये वेस्ट में हो जाएगा। तो अब अपने आंसर को चेक करते हैं कि हमारा जो होगा वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, ये तो सही होगा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद में 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, मीन्स इसके जो है हमारा था कहाँ पर, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में था और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में था। तो ये रहेगा तो उत्तरी अक्षांश में ही 30 डिग्री पर, क्योंकि ये इसके पैरेलल जाके यहाँ पर उतर रही है, तो इसका ये डायरेक्शन तो यही रहेगा, लेकिन ये इसका जो हमारा ईस्ट का डायरेक्शन है मीन्स मेरिडियन के अलॉन्ग जो इसका डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूड के अलॉन्ग, वो चेंज हो जाएगा। ये पहले ईस्ट में था, अब ये इसके जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इसके वेस्ट में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो देखा कैसे आसानी के साथ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमारा लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है, सॉरी इस क्वेश्चन को अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा टाइम जोन को और हीट जोन को समझ लेते हैं। हमारी जितनी भी अक्षांश रेखाएं, हमने बताया कि हमारे पृथ्वी पर कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं ड्रा की गई हैं, उनमें से कुछ अक्षांश रेखाओं को स्पेशल नाम दिए गए हैं। पहले उन अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं जो हमारे बीच से होकर पास करती है, इसका नाम है इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये हमने आपको बताया था। अगर हम अपने इस इक्वेटर से 23 सही बटे 2 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करें, उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर जो हमारी अक्षांश रेखा है इसको हमने नाम दिया है कर्क रेखा। उसके बाद में अगर हम और मूव करें ऊपर जाएं 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में, तो वहां पर हमें जो रेखा मिलती है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। ठीक, मीन्स आर्कटिक रेखा यहाँ पर हमारी 66 सही 1/2 डिग्री पर हुई है। हालांकि इनको 23 सही 1/2 डिग्री नामकरण देने के पीछे कुछ रीजन है कि आखिर में हम इसको अगर नाम ही देना था तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ आसान चीजें भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम अपने इक्वेटर के नीचे मूव करें तो ये हमारा हुआ 23 सही 1/2 डिग्री साउथ पर, इस रेखा को नाम दिया गया है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66 सही 1/2 डिग्री साउथ में अगर हम जाएं दक्षिण में तो इस रेखा को नाम दिया गया है अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। तो इनका ये रीजन देने का रीजन क्या था, मीन्स इसका ये नाम देने का रीजन क्या था, इसको जानते हैं कि 23 सही 1/2 डिग्री पर या 66 सही 1/2 डिग्री पर क्यों इसको नाम दिया गया। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इस पर हमारी जो रेखाएं आ रही हैं सूर्य से, हमारी किरणें इस पर सीधे आकर पड़ती हैं, सूर्य की रोशनी आकर पड़ती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी इक्वेटर पर सूर्य की किरणें आ रही हैं उनकी लंबाई कम है, मीन्स यहाँ पर ये इनकी जो इंटेंसिटी होगी, इनकी जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, मीन्स अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो यह रीजन जो हमारा होगा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर से 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण तक, ये रीजन हमारा गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो ज़्यादा पड़ रही हैं, तो ये रीजन हमारा गर्म होगा, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है ट्रॉपिकल जोन, मतलब अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर साल भर पूरे गर्मी पड़ती है, ये हमारा हुआ ट्रॉपिकल जोन। फिर अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, सॉरी नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, तो 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ से 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ के बीच का रीजन जो है वो टेम्परेट जोन है,
मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि इस रीजन के अपेक्षा कम तापमान यहाँ का होगा, यहाँ पर इसलिए इस रीजन को डिवाइड किया गया है। देख रहे होंगे कि जो हमारे सन से आ रही रेज हैं, सन से आ रही किरणें हैं, वो इस किरण से थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, इस रे की अपेक्षा इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, मीन्स थोड़ी देर से पहुंचेंगी किरणें और उनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर इसके कंपेरिजन में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है टेम्परेट जोन या कम ऊष्मा वाला क्षेत्र। उसी प्रकार से अगर हम 23.2 डिग्री दक्षिण से 66.2 डिग्री दक्षिण में मूव करें इस रीजन में, तो इसमें भी ये किरणें सेम लेंथ की होंगी, तो इसीलिए इसको भी हमने नाम दिया है टेम्परेट जोन। यहाँ पर इस रीजन की अपेक्षा कम उष्मा प्राप्त होगी और इसलिए ये रीजन उसकी अपेक्षा कम गर्म होगा। फिर हम बात करते हैं फ्रिजिड जोन की। अब आप देख रहे होंगे जो हमारे ध्रुवों पर किरणें पहुंच रही हैं, ये एक तो दूर है और इनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी उतनी ज्यादा, तो यहाँ पर जो हमारा रीजन होगा ये फ्रिजिड जोन होगा। मीन्स यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि हमारे ध्रुवों पर ज्यादातर बर्फ ही जमी रहती है, तो इसीलिए ये हमारा ज्यादा उष्मा वाला क्षेत्र, सॉरी बहुत ही कम उष्मा यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर सारी चीजें जो होंगी वो जमी हुई होंगी। तो इस तरह से हमने इनका नाम दिया था, जो हमारी स्पेशल जो अक्षांश रेखाएं थी उनको हमने इस तरह से कैटेगराइज किया था। अब हम जानते हैं कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स का क्या यूज है टाइम जोन को डिसाइड करने में। जब दुनिया में बात हुई किसी जगह का टाइम मेजर करने की, मीन्स किस तरह से वहाँ का टाइम को डिसाइड किया जाए, उस समय जो हमारे ज्योग्राफर ने उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई हमें हैवली बॉडी ऐसी मिल जाए तो उसके मूवमेंट के हिसाब से हम उसकी गति के अनुसार हम अपने यहाँ का टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। तो उस समय जैसे कि हमारे यहाँ उस समय तब जो हैवी बॉडली एलिमेंट थे वो था क्या, सन था और क्या था, मून था। तो जियोग्राफर ने सोचा कि इसी के या इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सभी जगहों पर दिन होते हैं, रात होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, तो इसी के बेसिस पे ज्योग्राफर ने ये सोचा कि सन के बेसिस पर हम किसी जगह का दिन डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो हमारा ईस्ट साइड है, सन हमेशा ये माना जाता है कि ईस्ट में निकलता है या ईस्ट साइड में सन का उदय, सूर्य उदय होता है और वेस्ट में जाकर सूर्य अस्त होता है। तो इसलिए हमारे ज्योग्राफर ने एक, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, उन्होंने ज्योग्राफर ने सब जगह ऑब्जर्व किया कि जिस समय किसी भी स्थान पर सूर्य वहाँ के ठीक ऊपर होगा, मीन्स अगर देखिए तीन कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन हमारी ये हुई कि जब सूर्य उदय होगा हम यहाँ खड़े होंगे, सूर्य यहाँ है तो हमारी परछाई इस तरफ बनेगी, जब सूर्य हमारे ठीक सिर पर होगा उस समय हम यहाँ होंगे तो हमारी परछाई कहीं नहीं बनेगी, और जब यहाँ होंगे तो उस समय हमारी परछाई इस साइड में बनेगी। तो हमारे सभी ज्योग्राफर ने ये डिसाइड किया कि जिस समय सूर्य किसी जगह पर ठीक सर के ऊपर होगा उस समय वहाँ के दिन के 12 बजेंगे, ये डिसाइड हो गया, और उसी के बेसिस पर इस प्राइम मेरिडियन को मान लिया गया कि 0 डिग्री पर, इसके बेसिस पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इसको हमने लॉन्गिट्यूड में आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड पर हमने जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ईस्ट साइड में, वैसे वैसे हमारा जो समय है प्रत्येक 1 डिग्री पर, जितनी बार हम जितनी 1 डिग्री बढ़ते जाएंगे उतना 4 मिनट से बढ़ता हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम 1 डिग्री पर 480, तो अगर हम 180 डिग्री तक मूव कर गए, मीन्स हमारा जो ये अगर मान लीजिए हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, तो ये प्राइम मेरिडियन हमारा हुआ, तो इसके अगर हम 180 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे तो हमें जो ये मिलेगा ये मिल जाएगी, इसी को डिसाइड किया गया इंटरनेशनल डेट लाइन, मीन्स ठीक अपोजिट। और इंटरनेशनल डेट लाइन ध्यान रखिएगा कि हमारा जो प्राइम मेरिडियन है इससे 180 डिग्री चाहे हम ईस्ट कहें, मीन्स अगर हम इधर बात करें या इसके इधर बात करें, वेस्ट में बात करें, तो दोनों साइड में 180 डिग्री, इसीलिए इसको केवल 180 डिग्री लिखा जाता है, ना तो ईस्ट लिखा जाता है ये ना ही वेस्ट लिखा जाता है, मीन्स हम इसको दोनों कह सकते हैं, हम चाहे इसको कहें 180 डिग्री ईस्ट या कहें 180 डिग्री वेस्ट। तो आप जानते हैं कि टाइम जोन और लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन है, मीन्स देशांतर से कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ रोटेट करता है और एक एक मिनट सॉरी चार प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस होता जाता है टाइम में। अगर हम इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा समय है वो बढ़ता हुआ जाएगा, अगर इसके हम वेस्ट में जाएंगे, मीन्स अगर यहाँ पर किसी समय 12 बजे हैं, तो अगर 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर 12:04 होंगे, 2 डिग्री बढ़ेंगे तो वहाँ पर 12:08 होंगे। उसी प्रकार से अगर हम इसके पीछे बढ़ेंगे
अगर 1 डिग्री हमने पीछे वेस्ट में गए तो यहाँ पर 11:56 हुए, फिर आगे गए तो 11:52 हुए। इस तरह से पीछे वेस्ट जाने पर, तो ध्यान रखिएगा वेस्ट जाने पर हमारा जो समय है वो डिक्रीज होता है, ईस्ट जाने पर जो हमारा समय है वो इंक्रीज होता है। ये इसी बेसिस पर हमारा समय जोन को डिसाइड किया गया। अब बात करते हैं कि अगर हम पूरे दुनिया में माने तो हमारे अर्थ जैसे हमने बताया कि वो बहुत विशाल है, तो उसके जो हमारा मिड टाइम है उसी के अनुसार हमारा टाइम जोन डिसाइड किया गया और सभी देशों ने अपना एक मानक समय चुना। ठीक अपोजिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री के ठीक अपोजिट 180 डिग्री है और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया, क्योंकि देख रहे होंगे कि अगर इससे हम 180 डिग्री तक पहुंचेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए अगर हम प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री 180 डिग्री इधर आए और 180 डिग्री इधर आए, मीन्स 12 घंटे हमने इधर ट्रैवल कर लिया, 12 घंटे इधर ट्रैवल कर लिया, तो यहाँ जो पहुंचे अगर तो यहाँ से 24 घंटे हो गए, मीन्स हमारी जो डेट है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए जो हमारी ये लाइन है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। आप लोग इसकी पोजीशन देख रहे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, इसकी जो पोजीशन है ये काफी जिगजैग है, मींस देख रहे होंगे आप ये सीधी ना होकर इसको जिगजैग बनाया गया है, टेढ़ी मेढ़ी है। आखिर में ऐसा क्यों किया गया? अगर इस लाइन को जिगजैग इस तरह से ना बनाया गया होता तो आप देख रहे होंगे जहां से ये 180 डिग्री है ये रसिया के कुछ पार्ट से इंटर करके निकलता और यहाँ पर हमारे बहुत सारे द्वीप समूह है, जैसे माइक्रोनेशिया है, मार्शल द्वीप है, सोलोमन द्वीप है, न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट हैं, कॉलोनीज हैं यहाँ पे, और उसके बाद फ्रांस के भी कॉलोनीज हैं। तो अगर ऐसा ना होता, इसको जिग जैग ना बनाया गया होता, तो क्या होता है यहाँ पे मान लीजिए कोई द्वीप हुआ या रसिया में ही जाता तो यहाँ से एक ही द्वीप में दो डेट हो जाते हैं। मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम अपने प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाएंगे हमारे टाइम घटे बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे घटेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। और जैसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे, मीन्स अगर हम यहाँ से वेस्ट जाते हुए यहाँ पे निकले, ये हमारा जो पार्ट देख रहे हैं ये इधर आके निकल रहा है, तो अगर हम ऐसे वेस्ट जाते हुए जाएं और यहाँ पे पहुँचें और इस पार निकल जाएं इसको क्रॉस करते हुए, तो अगर यहाँ पे इस समय 30 जनवरी होगा तो यहाँ अगर हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 31 जनवरी। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर संडे होगा तो इस जोन में मंडे हो जाएगा, मींस हम एक दिन को सीधे पार कर जाएंगे। एक और अच्छे से एक एग्जांपल लेते हैं उसके जरिए समझते हैं। जैसे कि हमने बात की ये हुआ रसिया, ये हुआ हमारा अलास्का। अलास्का में मान लीजिए 30 दिसंबर है और रसिया में उस समय क्या होगा 31 दिसंबर होगा, एक दिन आगे हो जाएगा अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करके मूव कर जाएंगे वेस्ट में, ईस्ट में सॉरी। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा हुआ 31 दिसंबर, ये 30, तो यहाँ वाले चाहें तो 31 दिसंबर को मूव करके यहाँ आ जाएं और यहाँ पर आके न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, लेकिन जब यहाँ पर हमारी अर्थ एक एक अपने एक्सिस पे घूम जाएगी उस समय यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी, लेकिन फिर हमारे जो अलास्का है वहाँ पर 31 दिसंबर ही होगा, मीन्स फिर यहाँ से ये लोग लौट के वापस आए और अपने यहाँ आकर भी न्यू ईयर मना सकते हैं। देखिए एक साल में एक ही बार एक ही लोग 2 बार न्यू ईयर कैसे मनाते हैं, तो ये इस तरह से ये पॉसिबल है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के डेट लाइन के बारे में, या इंडिया को टाइम जोन कैसे डिसाइड किया गया। ध्यान रखिएगा कि एक देश से कई डेट ओ सॉरी टाइम लाइन क्रॉस करती हैं, जो हमारी मेरिडियंस हैं या हमारी देशांतर लाइनें हैं वो ढेर सारी क्रॉस होती हैं। तो जिस देश का विस्तार इस तरह से है क्षैतिज में है, जैसे रसिया का हुआ, एशिया का हुआ, तो इन देशों में टाइम जोन निर्धारण में थोड़ी दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के टाइम जोन की। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो हमारे पश्चिमी हिस्सा है वो प्राइम मेरिडियन के 68 डिग्री ईस्ट में है। आपने मैप में देखा होगा कि हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, मीन्स ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, सॉरी ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे अगर इंग्लैंड है तो इससे हम मूव करते हुए जाएंगे लगभग यहाँ पर हमारा इंडिया है, ये हमारा साउथ अफ्रीका का द्वीप हुआ, तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, मीन्स यहाँ से ईस्ट के साइड में हमारा इंडिया है। तो जो हमारे इंडिया का पश्चिमी हिस्सा है वो 68 डिग्री ईस्ट में है, ठीक पूरब में, और जो हमारे इंडिया का पूर्वी हिस्सा है वो है 97 डिग्री ईस्ट में। तो अगर हम बात करें कि 1 डिग्री पे मैंने आपको बताया था कि 4 मिनट का गैप होता है,
अगर इंडिया के हम पश्चिमी हिस्से की बात करें, इंडिया के हम पूर्वी हिस्से की बात करें और दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करें, तो हमारा ये डिफरेंस आएगा लगभग 29 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया 29 डिग्री। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 29 डिग्री में कितने होंगे? 29 चौका 116 मिनट। मीन्स मान लीजिए अप्रॉक्स 2 घंटे का गैप, मतलब अगर यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है 5 बजे तो यहाँ पर सूर्योदय होगा 7 बजे। तो एक ही देश में 2 घंटे का गैप, तो अलग अलग टाइम। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो पता लगा कि उस समय ये माना गया कि यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे हमारे बज रहे होंगे 10 बज रहे होंगे। यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहे हैं। तो एक ही देश में इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने इन दोनों टाइम जोन को उठाया, इनको ऐड किया और इनका एवरेज ले लिया। मीन्स कैसे? देखिए, हमने 68 को उठाया प्लस 97 को उठाया, दोनों को ऐड किया और बाई 2 कर दिया। मीन्स एवरेज, औसत हमने ले लिया कि इनका औसत कहाँ से पास करेगा। जब हमने इसका औसत लिया तो ये हुआ 8, 7, 15, 9, 7, 16, 1, 17, 175/2। फिर इसका हमने जब निकाला इसका औसत, इसको हाफ कर 2, 8, 16, 9, 6, 15, 1, 16, ये हमारा हुआ 165। हमने इसका जब हाफ लिया तो ये कितना आया? 82 सही, 1/2। तो हमने ये माना, अगर हम एक लाइन ऐसी मान लें बीचों बीच से, जिसको हम अपना मानक समय मान लें, जिसको हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लें, तो इससे ना तो हमारे इसके ईस्ट वाले हिस्से के लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, ना इसके वेस्ट वाले हिस्से को ज़्यादा दिक्कत होगी लोगों को। इसीलिए हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है कितना? 82 सही 1/2 डिग्री। हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो 82 में होगा 82 गुड़े 4, ये हो गया 4, 8, 8, 328। और आधे मिनट में, अगर 1 मिनट में डिफरेंस हो रहा है 4 का, तो आधे में कितने का होगा? 2 का + 2, मतलब 330 मिनट। मीन्स हम कह सकते हैं 330 मिनट का मतलब हुआ कि 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस हुआ। मीन्स अगर किसी समय हमारे ग्रीनविच मेरिडियन पर दिन के 12 बज रहे होंगे, उस समय जो हमारा इंडिया है वहाँ पर 5:30 हो रहे होंगे शाम के, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में है। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में जाने पर जो हमारा समय है वो बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो ईस्ट में राइज करता है, वेस्ट में जाकर वो सेट होता है, मीन्स वहाँ पर डूबता है। तो इसीलिए जो हमारे इंडिया का समय है वो 5:30 है। और ये लाइन जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद के नैनी से होकर ये लाइन गुजरती है, और इसी को हमारे देश में इंडियन टाइम स्टैंडर्ड माना। एक कभी कभी बात आ जाती है चाय बागान टाइम जोन की। जब आज के 150 साल पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो असम है, असम में हमारे यहाँ के जो मजदूर थे वहाँ के लिए अंग्रेजों ने उनकी सुविधा के लिए एक अलग टाइम जोन डिसाइड किया था। लेकिन जब 1948 में हमारे यहाँ सरकार बनी, सॉरी हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो उनके उस टाइम जोन को रिजेक्ट कर दिया। 2014 में एक बार वहाँ के लोगों ने फिर आवाज़ उठाई थी कि उनको अलग टाइम जोन का निर्धारित किया जाए, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया था कि हम अपना टाइम जोन लेके रहेंगे। मीन्स उनकी मांग उठी थी। हालांकि अभी ये मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको सर्च करके देख सकते हैं कि आखिर में इस पर हो क्या रहा है। तो ये हमारा हुआ इंडियन टाइम जोन। अब चलिए, इस तरह से हमारे अक्षांश, लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर, समय रेखा, और उसके अलावा जो हमारा उष्मा क्षेत्र है, इसके बारे में हमने डिटेल में कर लिया है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन मैंने किया था, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमने आज सीखा है क्या इसका बेनिफिट हमें कुछ मिल रहा है या नहीं। चलिए, हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया था, अब आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है कि जब 82 डिग्री 30 मिनट, ध्यान रखिएगा कि हमें एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं वहाँ पे, कि क्वेश्चन हमारा आता है 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो अगर हम 30 मिनट की बात करें, अगर 60 मिनट में हुआ 1 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना होगा? आधा डिग्री। तो ये जनरली यही लिखा हुआ है कि 82 सही 1/2 डिग्री। जो लोग ना जानते हो वो इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा गया है कि जब
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर दिन में मध्याह्न हो, मीन्स 12 बज रहे हो, तब प्रातः के लिए 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? हमारे अगर हम बात करें 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, मीन्स जो हमारे यहाँ का मानक समय माना गया है वो यही है। और ये ग्रीन बीच से कितना आगे है? 5.5 घंटे। ठीक, कह रहा है कि तब उस समय प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर बजेंगे, मीन्स अगर हमारे यहाँ बज रहे हैं 12 सुबह के, दोपहर के, तो उस समय 6:30 घंटे कहाँ पे बज रहे होंगे? देखते हैं, अगर 6:30 घंटे से हम आगे बढ़ें, अगर हम 6:30 से आगे बढ़ें 12 तक, तो कितने का गैप है? 5.5 घंटे का। कितने का गैप दिख रहा होगा आपको? 5.5 घंटे का। मेन जिस समय हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं, उस समय किसी अन्य जगह पर 6:30 बज रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये कितने का हुआ? 6.5 घंटे का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 6:30 बज रहे हैं तो घंटे डिफरेंस हुआ हमारा 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, हो गया 82 सही, अगर इसको हम 330 मिनट बनाएं तो ये हो गया 82 सही/2 डिग्री। मीन्स अगर हम अपने यहाँ से 82 सही/2 डिग्री पीछे चले जाएं, तो वहाँ पर इस समय 6:30 बज रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, उसने कहा कि वहाँ 6:30 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया, मीन्स 5.5 घंटे का डिफरेंस आया। तो मीन्स अगर हम अपने यहाँ से 5.5 घंटे का डिफरेंस अगर इसको हम डिग्री में चेंज करें, तो ये आ गया 82 सही/2 डिग्री। मीन्स अगर हम अपने यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट पीछे चले जाएँ, तो वहाँ पर इस समय 6:30 बज रहे होंगे। और ये कहाँ पे होगा? अगर इसमें से 82 सही/2 से हम 82 सही/2 को माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर उस समय 6:30 बज रहे होंगे। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये IAS प्री के प्रीलिम के 1994 में आया हुआ था, UPSC में। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, मीन्स कथन और कारण का। जो हमारा कथन दिया हुआ है वो कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा, मीन्स हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, एक पर ग्रीन बीच से 12 घंटे का अंतर है। तो सही बात आलोक, देखिए एक बार फिर से आइए इस पर। ये हमारा प्राइम मेरिडियन हुआ, और इससे जो हमारे ग्रीन ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इससे अंतर कितना हुआ? 12 घंटे का। या फिर कह रहा है इसका कारण कि तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो बिल्कुल सही, 12 घंटे का है या 180 डिग्री का है, दोनों ही चीजें सही है। तो हमारा पहला भी स्टेटमेंट सही हुआ, दूसरा भी सही हुआ। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, तो दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं इसमें। फिर कह रहा है कि आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो इसको देख लीजिए। क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि 12 घंटे का अंतर है, उसी को अगर हम और स्पेसिफाइड कर दें, तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, क्योंकि हमारा प्राइम मेरिडियन हुआ किस पे? ये हमारा हुआ 0 डिग्री पे। तो ये हमारा हो गया कितने पे? 180 डिग्री पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कारण है, वो हमारे कथन को सिद्ध कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, या इसमें लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है जब IST या में उत्तर, मीन्स जो हमारा ग्रीन बीच मेरिडियन है, वहां पर दोपहर होती है, मीन्स वहां बज रहे हैं 12, और तब धरती के एक अन्य स्थान पर लोग सुबह की 6 बजे की चाय पी रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से आइए। हमने बताया था आपको कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इसके जब हम वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। मीन्स अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर के, तो 6 बजे अगर कहीं सुबह हो रही है, तो वो इसके वेस्ट में होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कितने ऑप्शन में वेस्ट है। एक तो हमारे इसमें वेस्ट है, तो ये दोनों तो हमारे पहले कैंसिल हो गए, क्योंकि वेस्ट इसी में केवल है। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ लोग 6 बजे की चाय पी रहे हैं, 1 घंटे में कितने का डिफरेंस होता है? अब यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, 12 बज रहे दोपहर के और सुबह के 6, मतलब डिफरेंस हुआ हमारा टोटल 6 घंटे का। ठीक, तो 1 घंटे का जो डिफरेंस होता है, उसमें कितने डिग्री का चेंज होता है? 15 डिग्री का चेंज होता है। और अगर 6 घंटे का डिफरेंस होगा, तो 15 छक्का 90 डिग्री का, मीन्स 90 डिग्री वेस्ट में ये लोग चाय पी रहे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे, तो हम अगले जो हमारे अगले इस पर लेक्चर होंगे, अगले जो वीडियोज होंगे हमारे ज्योग्राफी पर, उसमें हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जीवन में अपार सफलता पाएं। मेरी ये कामना है कि आप लोग जीवन में अपार सफलता पाएं, खूब आगे बढ़ें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।